हेलो वीवर वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रिस एडोलोनिंग बाय निशा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड एंड दिस मेथड इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इससे पहले नेशनल इनकम निकालने के जो दो मेथड थे हमने जो पहले डिस्कस किए थे वैल्यू एडिड मेथड एंड इनकम मेथड वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उन मेथड से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक फोकस करेंगे एक्सपेंडिचर मैथड पर कि कैसे इस मैथड से हम नेशनल इनकम निकालेंगे और प्लस एट द एंड हम एक यहाँ पे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे ताकि मेथड समझने के बाद उसको आप इजली क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में अप्लाई भी कर पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड कैसे नेशनल इनकम को मेजर करता है अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की और हम उसको कैसे एक्सपेंडिचर से मेजर कर सकते हैं सिंपल सी बात है तो देखिए एक्सपेंडिचर एक इंसान के लिए इकोनॉमी में अगर किसी के लिए खर्चा है तो एट द सेम टाइम दूसरे के लिए इनकम होगा आप गए आपने शॉप से सामान खरीदा तो आपने शॉपकीपर को पैसे दिए उसके बदले आपने सामान ले लिया तो आपके लिए तो वो खर्चा है बट शॉपकीपर के लिए क्या है वो इनकम है तो इसी तरीके से हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया के अंदर ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी खर्चा सभी लोगों ने किया है उन सभी एक्सपेंडिचर्स को ऐड किया जाता है और फिर आगे जाके उससे नेशनल इनकम को निकाल जाता है तो हम वहां पर यह सीखेंगे ठीक है तो चलिए समझते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा द वेरी फोर स्टेप इज टू कैलकुलेट जी डी पी एम पी एंड जी डी पी एम पी क्या होता है जी डी पी एम पी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इसका मतलब आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनकी मार्केट वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर करेंगे तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला इस मेथड से सबसे पहला काम होता है आपको निकालना है जी डी पी एम पी और जी डी पी एम पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इन पांचों चीजों को ऐड करना पड़ेगा तो हम वन वन बाय वन समझते हैं कि ये फाइव चीज़ें हैं क्या तो जी डी पी एम पी में जो सबसे पहली चीज़ ऐड होगी दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसका मतलब वो सारे खर्चे जो कंजप्शन पे हुए हैं कंजप्शन पे हुए हैं और तो कंजप्शन पे खर्चा कौन करता है दैट इज डन बाय दी हाउस तो हाउस होल्ड ने अपनी वॉन्ट को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी खर्चे किए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसके अलावा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार भी करती है गवर्नमेंट्स भी गुड्स एंड सर्विसेज ख़रीदती है फिर आगे जाके पब्लिक को प्रोवाइड करना प्लस जो डिफेंट पर्सनल्स होते हैं उनके लिए भी गुड्स को ख़रीदा जाता है तो वो सारे खर्चे गवर्मेंट के एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्सड कैपिटल फॉर्मेशन यानी ये खर्चे जो है वो बेसिकली कौन करता है हमारी इकोनॉमी में जो फॉर्म होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो करते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे जो भी ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स प्रोड्यूसर करते हैं वो किस पे करते हैं फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स क्यों फिक्स एसेट पर खर्च करता है प्रोड्यूसर क्यों प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है आप सभी जानते हैं प्रोड्यूसर फिक्स एसिड खरीदता है प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है क्योंकि उनका यूज वो फर्दर प्रोडक्शन में बार बार करता है वो उसके लिए एज इन इन्वेस्टमेंट होती है उससे उसको इनकम क्रिएट होती है प्रॉफिट क्रिएट होता है क्लियर है प्लस चेंज इन स्टॉक यानी एक तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है इट इज़ इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक यानी साल के शुरुआत में आपके पास कितने स्टॉक थे और एट द एंड आपके पास कितने स्टॉक बचे तो उनका डिफरेंस यानी चेंज इन स्टॉक भी इसके अंदर ऐड होता है और लास्ट चीज़ जो हम जी डी निकालने के लिए ऐड करते हैं दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी जब आप अपनी कंट्री से सामान बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है तो वो तो इनकम इसके अंदर ऐड हो जाएगी बट हम माइनस करेंगे यहाँ पर क्या जो सामान हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया है तो वो आपके लिए खर्चा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्लियर तो जी जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको याद रखना है जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है दैट इज जी डी और जी डी कैसे निकलता है इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी वो खर्चा जो फिक्स कैपिटल पे हुआ है प्लस चेंज इन स्टॉक विच इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो जब हम इन सभी चीज को ऐड कर देंगे हमें मिल जाएगा जी डी हमने इस मेथड का सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट कर लिया क्लियर अब आपको जी डी निकल चुका है आपका मेन काम हो चुका है क्लियर अब आपको निकालना है क्या नेशनल इनकम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम आप इस मेथड से जी डी निकाल चुके हैं अब आपको निकालना है नेशनल इनकम विच इज इक्वल्स टू एन एन ठीक है तो कैसे निकालेंगे देखिए आपके पास ग्रॉस आ गया आपको नेट पे जाना है तो आप जानते हैं आप डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे माइनस यह हम थ्री ऑपरेशंस ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है वहाँ से देख सकते हैं डोमेस्टिक है हमारे पास हमें जाना है नेशनल पे तो हम क्या करेंगे प्लस एन एफ आई ए एन एफ आई ए क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और वो किसके इक्वल होता है इट इज़ इक्वल टू फीफा माइनस फीटा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड एंड यहाँ पर हमारे पास है मार्केट प्राइस जो हम निकाल चुके हैं अब हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे तो बड़े से छोटे पे जाना तो हम क्या करेंगे माइनस बट क्या माइनस करेंगे एन आई टी और एन आई टी क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और ये किसके कल होता है इट इज़ इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज ठीक है तो यानी अगर एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे नेशनल इनकम यानी एन एन पी एफ सी निकालना है सिंपल सी बात है तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला होगा नेशनल इनकम निकालने का वो क्या होगा जी डी पी एम पी जो मुझे इस मैथ फॉर्मूले से मिल जाएगा ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा एन एफ आई ए और माइनस करने पड़ेगा एन आई टी तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम यानी एन एन पी एफ सी बहुत ईजी मेथड है इंटरेस्टिंग मैथड है और एग्जाम में आपसे पूछता भी है तो ये मेथड जो है ना आपको शुरू में होता है मुश्किल लगेंगे बट आप एक दो बार इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं ये ठीक है तो चलिए अब इसका हम एक बार नुम क्वेश्चन नुमेरिकल भी करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी बन जाए अब देखिए उसने आपको सिंपल बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम बट उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको यहाँ पे क्या करना है ये समझना है कि यहाँ पर आपको आइटम्स कौन से गिवन है आपको आइटम्स देखकर पहचानना है तो देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट एक्सपोर्ट एन हो गया आपका प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो ये सारी चीज़ें तो आपको सिंपल सी बात है एक्सपेंडिचर मैथड में आपने पढ़ी है तो इतना तो आप समझिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना है एक्सपेंडिचर मैथड अप्लाई करना है अब रिकॉल करिए जब एक्सपेंडिचर मेथड होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है हमें कैलकुलेट करना होता है जीडीपी एमपी ठीक है तो जीडीपी एमपी में सबसे पहली चीज क्या आती है रिकॉल करिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या वो गिवन है ये yes, गिवन है कितना हमारे पास थ्री फिर आगे देखिए ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो गिवन है येस yes, ये रहा गवर्नमेंट खरीद रही, रही है यानी खर्चा ही तो कर रही है वो हमारे पास गिवन है फिर याद करिए नेक्स्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है येस yes, गिवन है फिर प्लस हम उसमें करते हैं चेंज इन स्टॉक क्या चेंज इन स्टॉक गिवन है आ, नहीं है आगे आ जाइए फिर होता है इसमें नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट होता है यानी वो भी हमारे पास गिवन है ट्वेंटी तो इन सभी चीज़ को ऐड कर लीजिए तो थ्री हंड्रेड नाइनटी और नाइनटी वन एटी टू हंड्रेड हो गया आपके पास फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर आपके पास जी डी पी एम पी आ गया फाइव हंड्रेड ठीक है लेकिन अब आप आपको यहाँ पे निकालना क्या है आपको निकालना है बेसिकली एन एन पी एफ सी तो आप जी डी पी एम पी निकाल चुके हैं आपको क्या करना पड़ेगा इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा एन एफ आई ए प्लस करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है और एन आई टी माइनस करना पड़ेगा तो जी डी पी एम पी आपके पास कितना था फाइव हंड्रेड डेप्रिसिएशन देखिए गिवन है येस फिफ्टीन एन एफ आई ए गिवन है येस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है विच इज माइनस फाइव प्लस एन आई टी एन आई टी गिवन है येस वेरी गुड टेन इन सबको सॉल्व कर लीजिए तो ये 500 हो गया ये माइनस का 15 हो गया आपके पास प्लस माइनस माइनस ये हो गया आपके पास टेन इन सबको ऐड कर लीजिए तो फाइव हंड्रेड ये हो गया फाइव टेन और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस माइनस का बीस तो यानी हो गया फोर नाइन्टी तो यानी आपके पास जो नेशनल इनकम आया यहाँ पर गिताया फोर नाइन्टी तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन गिवन होगा और आपको क्या करना है नेशनल इनकम निकालना है तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये समझा कि पहला स्टेप आपको क्या करना है जी डी पी एम पी निकालना है वो पाँच चीज़ें लर्न करनी है ठीक है उनको आइडेंटिफाई करना है और जी डी पी एम पी निकाल लेना है जी डी पी एम पी आने के बाद एन एन पी एफ सी पे जाना है तो उसमें से डेप्रिसिएशन जो जी डी पी एम पी आएगा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है एन एफ आई ए प्लस करना है एन आई टी माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा एन एन पी एफ सी तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा टॉपिक कैसे निकालना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई होगी सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़ थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एन हैवे नाइस डे